स्वागत 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 जी हाँ हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल और आप सभी के और हिंदी माध्यम के सर्वश्रेष्ठ चैनल जय माधव विद्याकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमने सोचा कि आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कई टॉपिक हैं, उसमें एक टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखने में जितना आसान लगता है उतना ही ज्यादा मुश्किल। जी हाँ, इसके वाक्य हम हिंदी में दिन भर दिन बोलते हैं और रोज बोलते हैं, हमने महीनों में कई बार यूज किए होंगे ऐसे वाक्य और शायद अपनी कन्वर्सेशन में कई बार इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन जब उनके हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो फिर पता नहीं क्यों हमसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमें पूरे कॉन्सेप्ट पता नहीं होते और एक सेंटेंस जो ऐसा सेंटेंस जो कि बड़े बड़े लोग बोल जाते हैं गलत केवल और केवल डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ज्ञान के ना होने की वजह से। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक सब टॉपिक है। जी हां, आज का जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मानेंगे, इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन और डिग्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। ये तीनों डिग्रियां आज खत्म होगी और छोटी सी वीडियो, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगी। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन। तो सेशन से पहले आपने यामी गौतम जी का एक वाक्य सुना होगा, उरी मूवी में एक सेंटेंस बोला था उन्होंने, कहा था आई होप शी इज बेटर देन मी। और ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वो सेंटेंस गलत क्यों है, वहां पर यामी गौतम जी शायद उन्होंने इस वाक्य की जांच पड़ताल नहीं करी, क्योंकि बोलने वाली इंग्लिश और लिखने वाली इंग्लिश में बहुत फर्क आ जाता है। बोलने में जो आसान लगता है हम धड़ाम से बोल देते हैं, लेकिन वही ग्रामर के हिसाब से गलत साबित हो जाता है। तो आप भी कहीं ऐसी गलतियां तो नहीं करते? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने से पहले इन तीनों वाक्यों का आंसर देंगे, यदि आप इन तीनों वाक्यों का ट्रांसलेशन करके दिखा दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांसलेशन के लिए। क्योंकि अल्टीमेट गोल ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जितने भी हिंदी माध्यम के बच्चे, उनका अल्टीमेट गोल यही है कि हम इंग्लिश को पढ़ना और लिखना और समझना जान जाए। तो भैया देखो, पहला सेंटेंस लिखा है कि रुचि मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करती है, और दूसरा क्या वह तुमसे लंबा है, और तीसरा बहुत कम क्रिकेटर उतने अच्छे हैं जितने कि महेंद्र सिंह धोनी। अब तीनों का ट्रांसलेशन अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखने में जैसा आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं कि आप जो सोचें धड़ाम से लिख दें। चलिए पहले का ट्रांसलेशन आपके सामने हम करके दिखाते हैं और वो क्या होगा, वो ये होगा, रुचि मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है, अगर पसंद करती, प्यार के मतलब पसंद करती है। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन कर दें, रुचि मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करती है, तो आप ये कह सकते हैं रुचि, ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा आखिर ये कैसा हुआ। अगर आप देखेंगे तो पहले सेंटेंस हो सकता है गलत बने, उसके बाद सही बने, आप खुद बताइएगा कि सेंटेंस सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। यदि वो सेंटेंस सही बन रहा है तो क्यों बन रहा है, यदि वो सेंटेंस गलत बन रहा है तो क्यों बन रहा है। रुचि मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है या पसंद करती है, तुम्हें ज्यादा करती है, है? तो आप कह सकते हैं रुचि लाइक्स यू, रुचि पसंद करती है, लाइक्स यू मोर देन, यहां पर हम छोड़ेंगे स्पेस और आप बताएंगे यहां पर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, मी आना चाहिए या माई आना चाहिए। तीनों ही वर्ड में कंफ्यूजन, क्योंकि मुझसे वर्ड लिखा है। अब आप ये सोचें कि मुझसे के लिए तो मी भी यूज हो जाता है और आई भी यूज हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या यूज होगा। तो बहुत से बच्चे इसे मी लिख देंगे और बहुत से बच्चे इसे आई लिख देंगे, तो आप डिसाइड करें जब तक हम दूसरा बनाते हैं, और यही गलती होगी सेंटेंस में। क्या वह तुमसे लंबा है, देखने में इस सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं है, देखने में सेंटेंस बहुत ही सिंपल लिखा है, लेकिन इसमें भी कंपैरिजन था और इसमें भी कंपैरिजन है। कंपैरिजन का मतलब केवल कॉम्परेटिव डिग्री से नहीं होता बेटा, कंपैरिजन का मतलब जब एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन हो रहा हो, यदि समान क्वालिटी बताई जा रही होगी तो वो पॉजिटिव डिग्री में लिखा जा सकता है, यदि किसी एक व्यक्ति को बेहतर एक व्यक्ति को बुरा बताया जा रहा है तो वो कॉम्परेटिव डिग्री में भी यूज हो सकता है और पॉजिटिव डिग्री में भी। यदि एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ या बताया जा रहा है या सबसे बुरा बताया जा रहा है तो वो सुपरलेटिव में हो सकता है ट्रांसलेशन उसका। तो बात यह आती है जब हम पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री या कॉम्परेटिव डिग्री की बात करते हैं तो क्या हर सेंटेंस में कंपैरिजन होता है? जी हाँ, चाहे पॉजिटिव डिग्री लिखे उसमें भी कंपैरिजन। वैसे कंपैरिजन के लिए हमें तो दो शब्द चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कंपैरिजन के लिए दो शब्द होने चाहिए, दो नाउन होने चाहिए, दो एडजेक्टिव होने चाहिए, दो वर्ब होने चाहिए, एटलीस्ट दो पर्सन होने चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डिग्री वाला सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाए, वो पॉजिटिव डिग्री में भी लिखा जाएगा, वो सुपरलेटिव डिग्री में भी लिखा जाएगा। तो बहरहाल क्या हुआ, तुमसे लंबा है, यदि इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो इस वाक्य को हम छोड़ रहे हैं सेशन के एंड होने तक। जब आप सेशन के एंड में पहुंचेंगे तब आप इन दोनों सेंटेंसेस का आराम से ट्रांसलेशन कर पाएंगे, क्योंकि आज का पूरा टॉपिक इन दोनों सेंटेंस और तीनों सेंटेंस के ऊपर आधारित है कि हम कैसे किसी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को पहचाने और कैसे हम उसे कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। एग्जाम में जो आने वाले सेंटेंस है वो हमको आपको डायरेक्टली दिखा देते हैं
हैं कि एग्जाम में जो सेंटेंस आए हुए हैं, जैसे कि 2016 में ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें ए बी सी डी ई मतलब पांच सेट बने थे। इसमें आप देखें डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, लाइक ये लिखा है सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ये था डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर सेंटेंस जो कि 2016 में पूछा गया, ठीक एक सेंटेंस। उसके बाद 2018 में एक सेंटेंस पूछा गया, देखो यहां पर लिखा हुआ है, कहां गया पैसिव कट गया यहां पर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस यहां पर कट गया। मेरे ख्याल से डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस एक पूछा गया था जो कि 2018 वाले में हमारे कंप्यूटर महोदय ने काट दिया मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं, 2020 में देख लेते हैं। देखो एक सेंटेंस पूछा गया कॉम्पिटेटिव डिग्री में, ये देखिए ये कॉम्पिटेटिव डिग्री के ऊपर, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एट शी इज, बस एज इट इज सेंटेंस आने वाले हैं लेकिन इसे समझना है। फिर दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में पूछा गया कि द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। देख रहे यही सेंटेंस हम आपको आज कराने वाले हैं कैसे कन्वर्ट करना है। उसके अलावा और ये दिया पॉजिटिव डिग्री में, यहां पर देखो पॉजिटिव डिग्री में सी पर दूसरा क्वेश्चन जो कि सेट जेड वी है, यहां पर जेड एक्स है, यहां जेड वाई है, तो ये सेट 2020 में पूछे गए और यही तरह के सेंटेंस आपके आने वाले हैं सेशन में। तो बने रहेंगे सेशन के अंत तक, इनके जवाब भी हम लोग करेंगे। ये पूरी प्रेजेंटेशन आपकी 20 पेज की आज होगी पूरी समाप्त, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करना जान जाएंगे। देखिए आपके सामने एक ट्रिक लिखी है पीपी एंड सी एन। जी हाँ, पीपी और सी एन क्या है बेटा? इस पी का मतलब हो गया बेटा पॉजिटिव, इस पी का मतलब हो गया पॉजिटिव, और इस पी का मतलब भी हो गया पॉजिटिव। अब आप कंफ्यूज हैं, दोनों का मतलब अगर पॉजिटिव है तो फिर ये क्या है? इस सी का मतलब हो गया कंपैरेटिव, ठीक, और इस एन का मतलब हो गया नेगेटिव। अब आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री क्या है, जैसे कि अगर हम आपसे कहें किसी भी सेंटेंस में अगर ये शब्द यूज हो रहे हो और उनके बीच में कोई एडजेक्टिव हो तो ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में कहलाएगा। तीन डिग्री होती है, जहां पर एज और एस लगा हुआ है वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, कहीं पर देन शब्द आया है और उसके पहले अगर कोई कॉम्परेटिव वर्ड यूज किया है, जैसे बेटर वर्ड, जैसे मान लीजिए बी डबल टी आर लिखा हुआ है, जैसे कि टॉलर वर्ड, तो जहां पर भी ई आर शब्द वाले या कहीं 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 पर ओ आर शब्द वाले वर्ड आ जाए तो वो सेंटेंस कहलाते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में। यदि उस एडजेक्टिव से पहले एज और एस लगा हुआ है या कहीं कहीं पर सो भी लिखा होता है तो वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में कहलाएगा। यदि कहीं पर दा लग करके कोई ऐसा वर्ड आया जिसमें एस टी लास्ट में आया है, जैसे कि बेस्ट वर्ड लिखा जाएगा, जैसे कि टॉलेस्ट वर्ड लिखा जाएगा, तो ये सारे सेंटेंस में कहे जाएंगे, ये सारे सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस हैं। तो अगर हम आप इसे चेंज करने की बात करें कि इसको हम चेंज करें तो कैसे चेंज कर सकते हैं, कोई बताए, जब तक हम आंसर दे तब तक हम इसको रब कर दे। बहुत आसान है, ऊपर वाले ट्रिक को फॉलो करिए और इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको 18 नियम रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नियम के अनुसार इंग्लिश को सीख रहे हैं तो बेटा सीखना बंद कर दो, क्योंकि जीवन में ये तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। नियम के अनुसार भाषा को कोई जीवन में नहीं सीख पाया। जरा देखते हैं, एक छोटी सी ट्रिक लगाइए। ये सेंटेंस क्या है बेटा? पॉजिटिव डिग्री है। इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हमें कॉम्परेटिव डिग्री में कहा गया एग्जाम में कन्वर्ट करने को। तो हमेशा याद रखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री, ये पहला वर्ड पॉजिटिव डिग्री को बताएगा बेटा और ये पॉजिटिव फॉर्म को बताएगा। ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, ऊपर से पॉजिटिव फॉर्म में है, मतलब नॉट नहीं है, है ना। अभी तक बेटा अगर तुम लोग नए हो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ कुछ अच्छा मिल रहा है, सो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आने वाली जो वीडियोस हैं वो टाइम पर तो आपको मिलने वाली नहीं, और जब कभी भी लाइव सेशन होते हैं तो आप मिस करेंगे। इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जय माता दी विद्याकुल इज द ओनली प्लेटफॉर्म और सबसे मोस्ट मतलब मोस्ट ट्रस्टेबल जो पूरा चैनल है हिंदी माध्यम को डेडिकेटेड, ये आप कह सकते हैं हमारे मुकेश त्रिपाठी सर। आप उनका डेडिकेशन तो जानते ही, अपने बच्चों के प्रति, हम लोग भी उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए। सो इफ यू are visiting this channel first time, you must hit the red button और उसके बाद आपको रेगुलर वे में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर ये लिखा है श्रुति इज एज गुड एज माधुरी, तो इसका सीधा सा मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, अगर एक सेंटेंस को लिखा गया उसको दूसरे रूप में लिखा जाए, उसकी मीनिंग में चेंज ना आए, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। और यहां पर देखेंगे इस सेंटेंस में श्रुति को उतना अच्छा बताया गया जितना कि माधुरी, तो श्रुति उतनी अच्छी जितनी कि माधुरी, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि माधुरी श्रुति से ज्यादा अच्छी नहीं है। तो कॉम्परेटिव में चेंज करने के लिए हमें बाद वाले वर्ड को पहले लिखना पड़ेगा। अगर आप सोचे ये नियम के अनुसार है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये नियम के अनुसार नहीं, बल्कि आप जब बोलेंगे तो आपके मुंह में ऑलरेडी आ जाएगा कि माधुरी श्रुति से ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मतलब श्रुति उतनी अच्छी जितनी कि माधुरी। तो पहला सेंटेंस तो लिखा है, दूसरा सेंटेंस में देखेंगे तो आपको माधुरी शब्द, बाद वाला शब्द पहले दिखेगा कि माधुरी श्रुति से अच्छी नहीं है, श्रुति से अच्छी नहीं है, श्रुति से अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस चला गया कंपैरेटिव में। तो माधुरी इज नॉट लगा देंगे और उसके बाद गुड को लिख देंगे बेटा बेटा, और बेटर के बाद लगा देंगे देन, और देन के बाद लगा देंगे श्रुति, और अब हो गया
चेंज ऑफ डिग्री, डिग्री का चेंज यहीं पर हो गया, ये हो गया पॉजिटिव से कॉम्परेटिव। क्या हमने किया, पॉजिटिव डिग्री थी और पॉजिटिव सेंटेंस था, यहां पर नॉट नहीं लगा इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस था और पॉजिटिव डिग्री भी थी। जब आप इसे कॉम्परेटिव में ले जाएंगे तो इट शुड बी निगेटिव। देखो हमने निगेटिव लिखा, माधुरी इज नॉट बेटर देन एनी देन श्रुति, हो गया निगेटिव। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे सो दैट यू कुड हैव परफेक्शन और कुड हैव द कॉन्सेप्ट, योर कुड हैव योर कॉन्सेप्ट क्लियर, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। शी इज एज टॉल एज आई, वह उतनी लंबी जितनी की मैं, शी इज एज टॉल एज आई, मतलब मैं उससे ज्यादा लंबी नहीं, मतलब बराबर हूं। तो अब आप देखेंगे ये पॉजिटिव में दिया बच्चा, इसी पॉजिटिव सेंटेंस को आप कॉम्परेटिव डिग्री में ले जाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री आई तो कॉम्परेटिव सेंटेंस का सेंटेंस निगेटिव होगा, जो कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा वो निगेटिव होगा। बाद वाले वर्ड को पहले रखिए आई, और फिर लगाइए आई के साथ हम एम लगाएंगे। इसमें टेंस चेंज की जो प्रॉब्लम होगी तो इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होता, जिसके भी बच्चे के माइंड में आ रहा हो कि सर टेंस नहीं चेंज करेंगे, टेंस बेटा नरेशन में चेंज कर दिया जाता है प्रेजेंट से पास्ट। यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कह रहे हैं, यू डोंट नीड टू चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। आई एम, अगर हम कहें कि आई एम तो अब आप लगाएंगे नॉट, आई एम नॉट टॉल को लिख देंगे टॉलर, क्योंकि आप लिख रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री। आई एम नॉट टॉलर देन से शी, यहां पर आ गया आई एम नॉट टॉलर देन शी, मैं उससे ज्यादा लंबी नहीं, इट मींस जितनी की वो लंबी उतनी मैं लंबी, मैं उससे ज्यादा लंबी नहीं या वो मुझसे ज्यादा लंबी नहीं, तो बात खत्म, समझ में आई। आई एम नॉट टॉलर देन शी, दिस इज द कॉम्परेटिव डिग्री सेंटेंस एंड मोर ओवर इट इज निगेटिव, तो पी पी आने पर सी एन कर दीजिए। दूसरा, दे आर एज हार्ड वर्किंग एज वी, तो हमने उठाया वी को पहले, वी आर नॉट मोर हार्ड वर्किंग, यहां पर आप हार्ड वर्किंग को एडजेक्टिव मानेंगे तो इसका पॉजिटिव कॉम्परेटिव फॉर्म नहीं है, इसमें मोर लगाना पड़ेगा। वी आर नॉट मोर हार्ड वर्किंग, मोर हार्ड वर्किंग देन, वी आर नॉट मोर हार्ड वर्किंग देन, यहां पर दे। आप कहेंगे बच्चा यहां पर देम नहीं लिख रहे, देम नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी, यहां पर देम नहीं लिखेंगे क्योंकि आप यहां देखें वी लिखा हुआ है, वी क्या बेटा एक सब्जेक्टिव केस है, जब सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस में हो तो सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा, दे को देम नहीं कर देना यहां पर। बहुत से लोग आई एम बेटर देन, शी इज बेटर देन मी जो बोल देते हैं कभी कभी, तो वो एक्चुअल में गलत होता है क्योंकि वहां सब्जेक्टिव केस में कंपैरिजन है, वो भी हम आपको बीच बीच में बता देंगे। माय हाउस इज एज बिग एज योर हाउस, अब आप देखें तो इस सेंटेंस को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो आप देख रहे हैं उसी को उठा लीजिए, योर हाउस इज नॉट, अब बिग को बिगर लिख देंगे बेटा वही कॉम्परेटिव फॉर्म में, चूंकि नॉट लगा दिया है तो कॉम्परेटिव डिग्री निगेटिव फॉर्म में यूज होगी। ठीक, योर हाउस इज नॉट बिगर, और फिर लगाएंगे देन, और फिर लगा देंगे माई हाउस, है ना। एक तो ये बहुत ही वैसा बच्चों वाला सेंटेंस है माई हाउस, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से, और जो ज्यादा सही माना जाएगा वो ये कि आपका सेंटेंस कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, ध्यान रहे पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा, ऑब्वियस सी बात है कोई नाउन आएगा, लेकिन अगर दो बार पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है बच्चा, तो पहले वाले नाउन के पहले ही पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब जो एडजेक्टिव आपके पोजीशन को बताए, जैसे कि माय वर्ड है, जैसे कि आवर वर्ड है, जैसे कि योर वर्ड है, जैसे कि हिज वर्ड है, ठीक है, जैसे कि हर वर्ड है, उसी तरह देयर वर्ड है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। इनमें से कुछ शब्दों के आगे हम एस लगा देते हैं तो वो प्रोनाउन बन जाते हैं, जैसे कि ये माई को माइन लिख दिया जाता है तो ये प्रोनाउन हो गया, अगर हम योर को बताएं तो योर में एस लगा देने पर ये प्रोनाउन बन जाएगा, उसी तरह आर को बताएं तो आर में एस लगा देने पर ये प्रोनाउन बन जाएगा, उसी तरह देयर है तो देयर को एस लगा देने पर देयर्स हो जाएगा। तो कुछ वर्ड तो प्रोनाउन बन सकते हैं, कुछ वर्ड चेंज करे जाते हैं, जैसे माई को माइन कर दिया जाता है, हिज को चेंज ही नहीं किया जाता। तो यहां पर दो बार पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज नहीं होगा, जैसे यहां पर योर लिखा है, यहां पर माई लिखा है, तो माई हाउस as big as your house ना लिख करके simply आप इसे लिख सकते थे, या फिर आप किताब में छपा होता तो यहां पर yours हो जाता। ध्यान दीजिएगा यहां पर yours क्यों, yours का मतलब तुम्हारा घर, मेरा घर my house, तुम्हारा घर your house, लेकिन दो बार हाउस लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने एडजेक्टिव लिखा उसके बाद जो नाउन है वो तो कॉमन है, तो यहां पर हाउस लिखा हुआ है, दोबारा हाउस लिखने की आवश्यकता नहीं। यदि आप हाउस नहीं लिखेंगे तो फिर योर लिखना गलत हो जाएगा, और क्योंकि गलत हो जाएगा देन यू कैन पिक द प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव की जगह आप प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहां पर योर नहीं योर्स हो जाना चाहिए। अब जब इसको चेंज किया जाएगा तो ये योर्स की जगह यहां पर योर हाउस लिखा जाएगा, इज नॉट बिगर देन, अब माई हाउस की जगह हम लिख देंगे माइन।
क्या बात समझे बेटा, ये दूसरा तरीका है, माइंड लिख दिया जाएगा क्योंकि हमें दो बार लिखने के लिए अलाउ नहीं है। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी रूल को हम उल्टा करते हैं, इसी रूल को उल्टा कर दे। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव आ रहा है तो कॉम्पिटेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। सलमान इज नॉट एज और सो हैंडसम एज शाहरुख, जैसे कि यहां पर नॉट आ गया, डिग्री कौन सी है, अभी भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो अब जब कॉम्पिटेटिव में चेंज करेंगे बेटा तो भी ये सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब अब कॉम्पिटेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है, अब उसमें नॉट नहीं लगेगा, बिना नॉट के लिखा जाएगा। लेकिन तरीका क्या है, पहले वाले वर्ड को बाद में, बाद वाले वर्ड को पहले, तो आप उठाकर लिखेंगे सलमान इज, अब यहां पर लिख देंगे मोर हैंडसम, हैंडसम देन शाहरुख। इसका सेंटेंस का अर्थ क्या था, सलमान इज नॉट, सलमान इज नॉट सो हैंडसम एज शाहरुख। अच्छा हमने उल्टा लिख दिया, सॉरी शाहरुख बाद में लिखा हुआ बेटा, तो शाहरुख पहले आएगा, अब हमने सलमान को ही पहले लिख दिया। वही हम सोचे ऐसा कैसे हो सकता है, सलमान खान शाहरुख खान से स्मार्ट से कैसे हो गए, तो शाहरुख वर्ड पहले आएगा, शाह रुख और ये हो जाएगा सलमान, क्या हो जाएगा बेटा सलमान। ठीक, अब देखें ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग, सलमान इज नॉट सो या एज, ध्यान रहे जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा बच्चा तो उसमें आप दोनों ही वर्ड पा सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको एज मिल जाएगा, लेकिन माना यह जाता है जब भी नेगेटिव वर्ड आए नॉट तो वहां पर सो वर्ड का प्रयोग ज्यादा उचित माना जाएगा। तो यहां पर सो वर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप ट्वेल्थ क्लास में है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सलमान इज नॉट सो हैंडसम एज शाहरुख, इसका मतलब है सलमान उतना हैंडसम नहीं जितना कि शाहरुख। तो सिंपल सी बात है, शाहरुख सलमान से ज्यादा हैंडसम है, यही तो बात है, तुमने लिख दिया शाहरुख इज मोर हैंडसम देन सलमान, यही तो बात है, आसान। नेक्स्ट देखेंगे इसके एग्जांपल, यू आर नॉट सो वाइज एज आई, इसका मतलब तुम उतने बुद्धिमान नहीं जितना कि मैं, तो सिंपल सी बात है मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, तो मैं वर्ड पहले आ जाएगा, आई एम मोर लिखेंगे, मोर नहीं लिखेंगे, वाइज को वाइजर लिखा जा सकता है, तो कमरे डिग्री में अब लिखेंगे आई एम वाइजर देन, आई एम वाइजर देन, अब यहां पर लिख देंगे यू, मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, सिंपल। यहां पर देखिए पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस था और वो भी नेगेटिव फॉर्म में था, तो ये नीचे कॉम्पिटेटिव डिग्री का सेंटेंस है वो पॉजिटिव फॉर्म में, सिर्फ उल्टा कर देना है, यही बात बच्चे समझते नहीं। शी वॉज नॉट सो ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, तो हर सिस्टर, आप बाद वाले वर्ड को पहले ले आइए, हर सिस्टर, हर सिस्टर क्या हो जाएगा, इज, इज नहीं वॉज लिखा है, वॉज, वॉज मोर, यहां पर ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कह सकते, मोर ब्यूटीफुल देन, अब यहां पर शी लिखेंगे बेटा, यहां पर हर मत लिख देना क्योंकि कंपैरिजन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में है, इसलिए यहां पर देखो हर सिस्टर को हर सिस्टर लिखा गया, शी को इधर लाएंगे तो यहां पर बहुत से बच्चे हर कर देते हैं, यही गलती है। नेक्स्ट है वी वर नॉट सो अलर्ट एज दे, दे वर मोर अलर्ट देन वी, हो गया, तो पॉजिटिव से कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव से पॉजिटिव, फिनिश, इस तरीके से आप फिनिश कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चले। नेक्स्ट है उल्टा नियम है, सी एन एन पी पी, अब यहां देखिए हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आया तो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा तो उसको कॉम्पिटेटिव डिग्री में निगेटिव, अब अगर कॉम्पिटेटिव ही दे दिया जाए, पहले से आपको कॉम्पिटेटिव और निगेटिव फॉर्म में हो, कॉम्पिटेटिव दिया है और नेगेटिव फॉर्म में दिया है, तो उसका पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है, वही नियम उल्टा कर दीजिए, अमेरिकन्स आर नॉट मोर कल्चर्ड देन इंडियंस, अमेरिकन उतने कल्चरल नहीं जितने कि इंडियंस, या फिर अमेरिकन इंडियन से ज्यादा कल्चरल नहीं है, बात तो वही है, चाहे आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें और चाहे आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करें, चाहे आप कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करें, बात असल में वही आएगी बट लिखने के तरीके। एंड व्हाई वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस विल टीच यू हाउ टू राइट द सेम थिंग्स एंड हाउ टू राइट द सेम सेंटेंस इन टू डिफरेंट डिफरेंट मैनर सो दैट वी कैन गेट मोर मार्क्स, हमें अच्छे नंबर पाने के लिए अपने सेंटेंस, अपने राइटिंग को अच्छा करना पड़ेगा, और उसको अच्छा करने के लिए वी शुड नो द डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग सेम थिंग, एक ही चीज को चार तरीके से जानने को ही तो कला कहते हैं, दैट्स
ऑल, दैट इज ऑल अबाउट द लर्निंग ऑफ इंग्लिश। यही तो इंग्लिश लर्निंग है कि अगर हम एक बात को चार तरीके से, चार अंदाज से, चार लहजे से कह रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जितने भी टॉपिक हैं वो आपको एक सेंटेंस से कन्वर्जन दूसरे सेंटेंस में करवाएंगे, जहां पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टफ माना जाने वाला टॉपिक है। फिर आता है एक्टिव एंड पैसिव भी, बहुत ही आसान चीज है। चलिए इधर देखते हैं, अमेरिकंस आर नॉट मोर कल्चरल देन इंडियंस। जो अमेरिकंस हैं वो ज्यादा कल्चरल नहीं है, किन से? इंडियन से। तो सिंपल सी बात है ना, इंडियंस ज्यादा कल्चरल है अमेरिकन से। अगर अमेरिकन इंडियन से ज्यादा कल्चरल नहीं है तो इंडियंस अमेरिकन इंडियन से ज्यादा कल्चरल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इंडियन उतने ही कल्चरल है जितने की अमेरिकन। तो बाद वाले सेंटेंस को पहले ले, बाद वाले वर्ड्स को पहले ले आइए। आप लिखिए किसे, पीपीटी, इंडियंस आर, इंडियंस आर, इंडियन के साथ भी आर लगाएंगे, अमेरिकन के साथ भी आर लगाएंगे। अब हमें लिखना क्या बेटा, हमें लिखना है कंपैरेटिव डिग्री में, नहीं लिखना है पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव ऑलरेडी है। तो हम इंडियंस आर एज कल्चरल एज अमेरिकन, इंडियंस उतने कल्चरल हैं जितने के अमेरिकन। तभी तो लिखा कि अमेरिकन इंडियन से ज्यादा कल्चरल नहीं है, इंडिया के लोग भी उतने पढ़े लिखे, इंडिया के लोग भी उतने सभ्य हैं। तो यहां पर देखो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया, साथ में नॉट भी नहीं है, ऊपर कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग है और नॉट है, तो जिसमें नॉट लगे आने वाले संदर्भ में हटा दीजिए, जहां ना लगे वहां लगा दीजिए। देखो इसके एग्जाम्पल कह सकते हैं, गुजरात डज नॉट हैव मोर पॉपुलेशन देन उत्तर प्रदेश। चलिए देख लेते हैं, गुजरात, अब उल्टा करना है ना बेटा, यहां पर उत्तर प्रदेश, गुजरात डज नॉट हैव मोर पॉपुलेशन, गुजरात के उतनी पॉपुलेशन नहीं जितने की उत्तर प्रदेश की, यही लिखना है। तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश डज नॉट हैव लिखा था बेटा, तो अभी सेंटेंस को हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे ना, नॉट हटाना है क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में भी तो लिखना है। उत्तर प्रदेश हैज as much population as Gujarat, ठीक हो गया। यहां पर आप कुछ बच्चे मच में कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां पर मोर लिखा बेटा, जहां पर भी बहुत से ऐसे वर्ड है जिनके कॉम्पिटेटिव फॉर्म नहीं बन सकते, बहुत से एडवर्ब्स है, जैसे आपने ब्यूटीफुल वर्ड को देखा तो वहां पर मोर वर्ड लगाना पड़ता है कॉम्पिटेटिव दिखाने के लिए, उसी तरह वहां पर मोस्ट वर्ड लगाना पड़ेगा सुपरलेटिव दिखाने के लिए। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनको हमें पॉजिटिव डिग्री में भी लिखना पड़ेगा और वहां मच लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पॉपुलेशन की बात है, तो पॉपुलेशन वर्ड एक नाउन है बेटा, ये एडजेक्टिव तो है नहीं, लेकिन अब इसे एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करने पर हमें इसमें मच, मोर और मोस्ट वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन नाउन है ना कि एक एडजेक्टिव है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मोर वर्ड का प्रयोग किया, मोर पॉपुलेशन का मतलब से ज्यादा, मच पॉपुलेशन का मतलब उतनी पॉपुलेशन। तो क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के पास उतनी पॉपुलेशन है जितना कि गुजरात के पास, बस इसलिए यहां पर मच लगाया गया है, क्योंकि अगर आप इसे पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे मतलब पॉजिटिव डिग्री में, तो एज के बाद यहां पर वो वर्ड कौन सा है, आप एज के बाद पॉपुलेशन वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर एज पॉपुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि पॉपुलेशन कोई एडजेक्टिव वर्ड तो है नहीं, इसके पहले हमें एडजेक्टिव मच मोर वर्ड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, सहवाग इज नॉट मोर फेवरेट देन सचिन, सहवाग सचिन से ज्यादा फेवरेट नहीं है सबका, तो इसका मतलब है सचिन इज एज फेवरेट एज सहवाग, समझ में आया। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते चले भाई, आई बात समझ में, संख्या इतनी है सब्सक्रिप्शन नहीं है अभी तक बेटा। सब्सक्राइब वर्ड समझते हो, सब्सक्राइब वो क्या है इसको भी समझ ले, समझा देते हैं। जैसे ये सब्सक्राइब वर्ड है, आपको पता है ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, ऑफ कोर्स इट इज अ वर्ब, ये एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है, क्रिया जिसे कहते हैं, ठीक। उसी तरह अब आप इसका नाउन बना सकते हैं सिंपली सब्सक्रिप्शन, ये इसका नाउन बनेगा, ये एक नाउन है बेटा सब्सक्रिप्शन, ठीक, सब्सक्रिप्शन।
और ये सब्सक्राइब, तो अगर आपने अभी तक ना किया हो तो आप इसे नाउन और वर्ब के तरीके से कर दीजिए, चाहे नाउन को मान करके चाहे वर्ब के तरीके से कर दीजिए। यू शुड हिट द बेल बटन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े। चलिए उल्टा कर लें। अब आ जाइए फिर देखिए, सीपी आए तो पीएन कर दीजिए, कॉम्पिटेटिव डिग्री एक बार फिर पॉजिटिव में आए तो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव फॉर्म में हो जाएगी। इंडिया इज बिगर देन पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, तो आप लिख सकते हैं। इस मनहूस देश का नाम लिखने का मन तो नहीं करता लेकिन फिर भी लिखना पड़ रहा है बोर्ड पर, कोई क्या कंपैरिजन कर तो सकते ही है। इंडिया इज बिगर देन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज बिगर देन क्या कहेंगे, इंडिया पाकिस्तान से अगर बड़ा है तो पाकिस्तान उतना बड़ा है नहीं जितना कि इंडिया, तो पाकिस्तान इज नॉट, और नॉट के बाद अब चाहे आप सो लगाइए या एज लगाइए, इज नॉट सो और बिग एज इंडिया। तो क्या कर दिया हमने, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बना दिया। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, जबकि कॉम्पिटेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में लिखा था। ठीक, इसके ऊपर सेंटेंस देखेंगे बच्चा। आई एम सीनियर टू रामानुजन, ये एक बेटा एक्सेप्शन है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, है ना, इंफीरियर, इन चारों पांचों शब्द से पहले आपको हमेशा याद रखना है दैन नहीं लगाना है। ये एग्जाम में जानबूझकर पूछा जाता है, टू का प्रयोग होगा। सीनियर लिखा है उसी तरह आप जूनियर वर्ड से पहले भी, उसी तरह आप सुपीरियर वर्ड से पहले भी। कंप्यूटर महोदय पानी इंतजाम करें, जरा खुजली हो रही है। जल्दी से चलो, है हम देखे ही नहीं थे। चलो बढ़िया। सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए और इंफीरियर आ जाए या प्रायर आ जाए। एक वर्ड होता है प्रायर, इसका मतलब होता है पहले। इन वर्ड के बाद हमेशा टू वर्ड का प्रयोग होगा, खास तौर से आपको सीनियर या जूनियर शब्द दे देगा एक एग्जाम में जानबूझ करके, सात सेट में से एक सेट में जरूर। अगर डिग्री का कंपैरिजन, अगर डिग्री का सेंटेंस पूछ रहा है तो वो ये वर्ड जरूर देगा। फिर भी आपको करना वही नियम है, यहां पर सिर्फ टू ही तो लगा, देन थोड़ी लगा है। तो यह कॉम्पिटेटिव डिग्री का सेंटेंस। अब अगर आप इसे कहें तो आप इसे पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, यही लिखेंगे रामानुजन, रामानुजन is as not senior as I am senior to Ramanujan, मैं रामानुजन से सीनियर हूं। तो आप ये कह सकते हैं कि रामानुजन उतना सीनियर नहीं जितना कि मैं, मतलब वो मुझसे बड़ा नहीं है, मैं उससे बड़ा हूं। मिस्टर शर्मा इज सुपीरियर टू मी, देखो सुपीरियर आया फिर आया टू, तो मिस्टर सिद्दीकी, मिस्टर सिद्दीकी, सिद्दीकी इज नॉट सो सुपीरियर। अच्छा एक बात और बताते हैं, यहां पर आपकी जो डिग्री है वो वैसे ही रहेगी, ये एडजेक्टिव ऐसे ही यूज होते हैं, इसके पॉजिटिव फॉर्म नहीं होंगे बेटा, ध्यान रहे। जैसे कि बिग को आपने बिगर लिखा तो कॉम्पिटेटिव फॉर्म है, बिगर को बिग लिखा तो ये पॉजिटिव फॉर्म है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और प्रायर, इनके पॉजिटिव फॉर्म नहीं होंगे, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर इनके पहले कॉम्पिटेटिव बनाना है तो आप उनके बाद आप टू शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर सुपरलेटिव बनाना है तो आपको मोस्ट वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन लिखे ये ऐसे ही जाएंगे, ये ध्यान रहे। ठीक, चल सो सुपीरियर एज मिस्टर शर्मा। ठीक है, शी हैज लेस मनी देन आई, आप बताएं, शी हैज लेस मनी देन आई। चलिए देन है बेटा, अब इस देन की वजह से आप ये वर्ड समझ ही गए होंगे कि ये कॉम्पिटेटिव वर्ड है, तो इसका पॉजिटिव वर्ड क्या है, लिटिल, इसका पॉजिटिव वर्ड होता है लिटिल, इसका कॉम्पिटेटिव वर्ड होता है लेस,
उसका सुपरलेटिव वर्ड होता है लीस्ट, लिटिल लेस लीस्ट। तो हमें करना क्या, पॉजिटिव फॉर्म में ले जाना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो आप कह सकते हैं, कह रहा है शी हैज लेस मनी देन आई, उसके पास मुझसे ज्यादा कम पैसे हैं, या उसके पास मुझसे कम पैसे हैं। तो आप कह सकते हैं आई डू नॉट हैव। अब आप कहेंगे सर कहां से आ गई है, देखो यहां पर हैज लगा हुआ है। अब जब हैज वाले सेंटेंस को आपको निगेटिव बनाना होगा तो डू नॉट लिखोगे, जैसे आई हैव फादर, आई हैव अ कार। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक कांस्टेंट वर्ब वाला सेंटेंस है, आई हैव अ पेन। तो ये है एक्चुअल में प्रेजेंट इंडिफिनिट, दिखने में आपको कुछ भी लग रहा हो आई हैव अ पेन, तो ये हैव वर्ड पोजीशन को शो करता है और इसका निगेटिव डू नॉट से ही बनेगा। आई डू नॉट हैव एज लिटिल मनी, एज लिटिल मनी एज शी। और अब आपको यहां पर इसको रफ कर देना बेटा, ठीक, इसको हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। एज शी, सो शी हैज लेस मनी देन आई, हो गया। अब चलेंगे आगे, सेंटेंस आएंगे आपके कंफ्यूजन करने, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नो अदर से। जब भी नो अदर शब्द आ जाए तो उसको आप या तो एनी अदर में चेंज करिए या तो ऑल अदर में चेंज करिए। कैसे चेंज करना, इसका मतलब क्या निकलता है, देखो यहां पर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केवल पॉजिटिव से कंपरेटिव ले जा रहे हैं या कंपरेटिव से पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, अभी सुपरलेटिव की बात ही नहीं आई। सुपरलेटिव बहुत आसान है, लास्ट में अभी हम आपको बताते हैं, फिलहाल 5 से 10 मिनट अभी आपका और लेते हैं। नो अदर क्रिकेटर इज एज सो या फेमस एज एमएस धोनी, कह रहा है नो अदर क्रिकेटर। देखने में सेंटेंस कैसा लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी वाक्य में नो अदर वर्ड लिखकर आए, जब भी किसी वाक्य में नो अदर शब्द लगा रहे, तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस दिखने में तो पॉजिटिव डिग्री का है बट एक्चुअल में वो है सुपरलेटिव में। जरा देखते हैं, यहां पर एज और सो लगा हुआ है, इसे आप पहचान गए होंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री है, साफ तौर पर लिखा है। देखो एज सो, फिर एडजेक्टिव, फिर है एज, और फिर लिखा है एमएस धोनी। इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में अगर ले जाया जाए तो आप चाहे एनी अदर में चाहे ऑल अदर में, क्यों, क्योंकि इसका भाव क्या कहता है, भाव कह रहा है कोई भी क्रिकेटर उतना फेमस नहीं जितना एमएस धोनी। इसका मतलब है एमएस धोनी किसी भी क्रिकेटर से फेमस है, या एमएस धोनी सभी क्रिकेटर से फेमस है। किसी भी शब्द लिखो तो एनी लगाओ और सभी शब्द लिखो तो ऑल लगाओ, दैट्स इट। कैसे लिख सकते, अब लिखेंगे एमएस धोनी इज मोर फेमस देन एनी, एनी के बाद आपको अदर वर्ड लिखना ही लिखना पड़ेगा, किसी भी क्रिकेटर, एनी अदर क्रिकेटर, या फिर आप लिख सकते हैं ऑल अदर क्रिकेटर, ऑल अदर क्रिकेटर्स। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, एग्जाम में आपने अगर एनी अदर लगाया हुआ है उसके बाद जो नाउन यूज होगा बेटा वो सिंगुलर फॉर्म में, यदि आपने ऑल अदर लगाया है उसके बाद जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म में। यहां पर देखो और यहां पर देखो, क्योंकि एनी सिंगुलर को बताता है और ऑल प्लूरल को बताता है, दैट्स इट। एमएस धोनी इज मोर फेमस, ये तो हो गई सिंपल सी बात है पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव बनाने की सारी विधियां। मान लेते हैं आपको यही सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री में दे रहा है, यही सेंटेंस तब आपके सामने और आ रहा होगा एनी अदर या फिर ऑल अदर। तो अब आपसे कहा जाए पॉजिटिव डिग्री में इसे कन्वर्ट कर दीजिए, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यही उठा करके नो अदर में चेंज हो जाएगा। तो क्या आवश्यकता है इसको आगे करने की, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज और सो रिच एज इंडिया, कोई भी कंट्री दुनिया में उतनी रिच नहीं जितना कि इंडिया। तो इंडिया इज, इंडिया इज क्या लगाओगे बेटा, मोर वर्ड का प्रयोग या कुछ और वर्ड आ रहा है, इन द वर्ल्ड सो रिच, रिचर हो सकता है, मोर लगाने की आवश्यकता नहीं। इंडिया इज richer than any other, या तो लिखिए any other country, 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 या तो लिखिए, या फिर all other लिखेंगे, all other तो countries लिखेंगे बेटा, ठीक, countries in the world, ठीक है, इसको भी कर लीजिए। नो अदर कल्चर इन द वर्ल्ड इज सो गुड एज द कल्चर ऑफ इंडिया,
द कल्चर ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया इज बेटर, गुड को क्या लिख देंगे कॉम्परेटिव में, बेटर देन एनी अदर कल्चर और ऑल अदर कल्चर्स इन द वर्ल्ड। ठीक, आगे बात समझ में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी संदेश नहीं छूटेगा तुम्हारा। आ जाते हैं आगे, वेरी फ्यू और मोस्ट क्या है बेटा। वेरी फ्यू अगर आता है सेंटेंस में तो आप उसे मोस्ट अदर में करिए, और अगर मोस्ट आता है तो वेरी फ्यू में कर दीजिए। क्या है मतलब, वेरी फ्यू मेन आर सो ग्रेट एज एपीजे अब्दुल कलाम। वेरी फ्यू मेन कह रहा है बहुत ही कम लोग उतने ग्रेट हैं जितने की एपीजे अब्दुल कलाम, इसका अर्थ हुआ। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर यह कहा जा रहा है कि वेरी फ्यू मेन आर एज ग्रेट एज एपीजे अब्दुल कलाम, तो मतलब एपीजे अब्दुल कलाम अधिकतर लोगों से ज्यादा ग्रेट हैं, क्योंकि कहा जा रहा है बहुत ही कम लोग उतने ग्रेट जितने कि एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम ज्यादातर लोगों में से ग्रेट, क्योंकि उनके बराबर ग्रेटनेस कुछ ही लोगों के पास है, तो जो बचे वो ज्यादातर हो गए। तो आप लिखेंगे क्या, एपीजे अब्दुल कलाम इज ग्रेटर, लिखेंगे मोर नहीं लगाएंगे, ग्रेटर इज ग्रेटर देन देन मोस्ट अदर मेन। मोस्ट के बाद भी कोई नाउन यूज होगा बेटा, तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, मोस्ट अदर मेन। तो एपीजे अब्दुल कलाम इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर मेन। होप सो दैट यू आर गेटिंग Whatever I am telling you here, so full concept आपका degree of comparison का complete होता हुआ। कुछ sentence करेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर ही करें, चलो इसी के ऊपर कर लेते हैं। Very few state have so or as much minerals as Karnataka। तो आप लिख सकते हैं Karnataka, कह रहा है बहुत कम ही state ऐसे हैं कि उतने minerals जितने कि Karnataka के पास हैं। तो आप कह सकते हैं Karnataka वेरी फ्यू, कर्नाटका हैज मोर मिनरल्स। देखो यहां पर मच लिखा है, मच के बाद देखो मिनरल्स लगा है। मिनरल्स क्या है बेटा, एक नाउन है, तो यहां पर नाउन की वजह से मच लगाना पड़ा है। तो यहां पर आप कंपरेटिव में ले जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा मोर, मोर मिनरल्स, कर्नाटका हैज मोर मिनरल्स देन मोस्ट अदर स्टेट। उम्मीद है कि आप सभी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर इसी तरीके की क्वालिटी कंटेंट्स की तलाश है हमारे सारे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, तो आज आप पहली बार जरूर आए, यह आखिरी बार नहीं होगा, यह मेरा वादा और हर टीचर का जय माधव विद्याकुल के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के। तो इसी वजह से आपका साथ तभी होगा आपका विकास, अगर आप साथ में नहीं तो ये कैसे चलेगा कारवां। तो कारवां बढ़ाएंगे और साथ में हम पढ़ाएंगे, इसके लिए आप सभी लोग अभी भी वीडियो सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जय माधव विद्याकुल आपके लिए दिन रात मेहनत करती रहे और इसी तरीके से लगी रहे। वर्ष 2024 में देखते हैं कौन बनता है टॉपर, चाहे आप YouTube पर पढ़ रहे हो हमसे, चाहे विद्याकुल ऐप पर पढ़ रहे हो, हमारे सभी बच्चे साथ और समान हैं। आपके लिए जितना हो सकता है, YouTube पर भी वो सेशंस आते रहते हैं, जो भी क्वालिटी कंटेंट देने की बात होती है हम वही सेशन YouTube पर लेकर आते हैं, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ऐप पर आने के लिए, हालांकि ऐप पर भी आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ रहता है। और वो रहता है ये कि जैसे कि आप सभी जानते हैं विजय 2024 बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है, फिर भी अभी भी बहुत से बच्चे पर डे जुड़ रहे हैं, जिसके लिए आप देरी ना करें। जुड़ना चाहे तो आप जरूर इन सारे फीचर्स का फायदा उठाएं, चाहे ये हमारे टॉपर्स का एक इंस्पिरेशन लेकर के आए, और चाहे आप इस पर कॉल करके आए 9818434684। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्वालिटी कंटेंट के लिए आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हैं, और ये चैनल हमेशा अपने बच्चों का विश्वास
कभी भी तोड़ेगा नहीं, विश्वास पूरा करेगा, उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। ये पिछले 4 साल से व्यंकेश सर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हम सभी उनके साथ इसी लक्ष्य पे लगे हुए हैं। तो 2024 विजय में आप कितने लोग विजय होते हैं देखने वाली बात है। फिलहाल आपका एक सेंटेंस है एग्जाम वाला, अगर हम ले लें तो आप में से कितने लोग बताएंगे कि ये सेंटेंस को जल्दी से करके दिखाए और फिर वीडियो सेशन को करते हैं एंड। चलिए बताइए, इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, कहां गया सुपरलेटिव डिग्री में लिया हुआ है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री हम बता इसलिए नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा है। तो ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए जितना भी अगर आप कर सकते हो तो बताएं। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो आप इसे सिंपली लिख सकते थे, जो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर लिखा है तो आप लिख सकते थे शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, गर्ल इन द क्लास। ठीक, अगर आप इस सेंटेंस का देखें, इसमें तो दिया नहीं, इसमें देखें, इसमें दिया है द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। कह रहा है पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग, एनी अदर लगा हुआ है तो आप क्या कह सकते हैं, एनी अदर है, हम लोगों ने क्या देखा था, नो अदर बिल्डिंग, कहां गया ये है नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया ना, अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज एज ब्यूटिफुल एज द ताज। ठीक, द ताज। तो आपकी दो सेंटेंस इस तरीके से करा दिए। आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े। साथ ही साथ आपको बताते हुए चलते हैं कि अगर आप YouTube के अलावा भी हमारे क्लास लेना चाहते हैं सो यू मस्ट कम एट विद्याकुल प्लेटफॉर्म, वहां पर आप आइए, अभी डाउनलोड करते हो, वहां पर आपके संकट मोचन सीरीज जो आप सभी के लिए फ्री में होते हैं जिसमें 500-800 बच्चा हर सैटरडे को जुड़ता है, तो आप वहां पर अपने आप को प्रूफ करके देखिए कि आपने कितनी तैयारी 2024 बोर्ड की कर रखी हुई है। और वहां पर आपका जो टाइम टेबल क्लास 11th के अगर आप हैं, ग्रामर का सेशन देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप में से कोई जानने वाला है जो ग्रामर का सेशन लेना चाहता है तो वहां पर आ सकता है क्योंकि वहां पर हम डायरेक्टली और ग्रामर के सेशंस ही लेते हैं। तो क्लास 11th के लिए और क्लास 12th हिंदी मीडियम और क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के लिए सबका टाइम टेबल अलग है। तो संकट मोचन सीरीज जो है वो है बेटा टेस्ट फ्री, जो क्लासेस होते हैं वो 4 बजे है क्लास 11th का मेरा। 12th हिंदी मीडियम अगर हम बात करें तो 3:30 बजे सैटरडे को ही तीनों संकट मोचन होते हैं। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो 3 बजे से सैटरडे को लगता है। फ्री लाइव क्लास जो कि सभी बच्चों के लिए है, फिर वो कहीं कभी हो हिंदी माध्यम का, वो आ जाए 9:00 बजे संडे को क्लास 11th के लिए। फ्री लाइव क्लास 12th हिंदी मीडियम के लिए ट्यूजडे को 9:00 बजे और फ्री लाइव क्लास क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के लिए वेडनेसडे को 9:00 बजे। और इसके लिए आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी विषयों के फ्री हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको जय माता विद्याकुल के साथ साथ विद्याकुल ऐप पर भी जुड़ना होगा। साथ ही साथ आप जय माता विद्याकुल पर इस बात के लिए विश्वास कर सकते हैं, पर हम अपना वादा पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं इस पूरे सेशन में आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सुपरलेटिव डिग्री को किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।